हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेनिया इन लाइफ। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। अब लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज जो है मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो किस किस को इंक्लूड करते हैं? द ऑप्शंस आर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकेंड क्वेश्चन, द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी किसकी तरफ है, ये क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड है। द ऑप्शंस आर टुवर्ड्स ऑल, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज ओनली, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स कंज्यूमर्स ओनली। तो ये जो हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो तीन ऑप्शंस हैं, डेट इज एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स, इन सब की तरफ जो है मैनेजमेंट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा टुवर्ड्स ऑल। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें ये गेस करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। द ऑप्शंस आर अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग। तो अभी जो हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें जो है इन चारों में से हमने एक पॉइंट नहीं पढ़ा था, वही जो है हमारा आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज पॉलिसी मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें बोल रहा है ऑप्शन में, वो बोल रहा है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस टू वर्कफोर्स। तो गुड वर्किंग कंडीशंस ये हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस ये हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, राइट? तो ये जो है इसका आंसर हो सकता है। आगे के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, तो ये भी हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। एंड लास्ट वन इज यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑप्टिमली, ये हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, डेट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो इसमें से, इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। द ऑप्शंस आर अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। तो ये हमने सर्वाइवल में पढ़ा था, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग सफिशियंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस। तो सफिशियंट प्रॉफिट अर्न करना, ये जो है ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन। तो ग्रोथ है ये, ग्रोथ या एक्सपेंशन आप बोल सकते हो, तो ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सो बचा हुआ फोर्थ ऑप्शन, ये देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, ये हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ाता, राइट? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू
फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हमें सोसाइटी से रिलेट कर रहा है, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? यस, द करेक्ट आंसर है सोशल ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 7, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय. तो ग्रोथ को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? द ऑप्शंस आर इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, सेल भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, एंड हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म द मैनेजमेंट ऑफ एंगोरा लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ध्यान रखना आप, टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव. तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है. क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज योगा क्लासेस फॉर इट्स एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर कॉन्सेंट्रेशन लेवल. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड अबव. तो यहाँ पे योगा क्लासेस की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज के लिए कुछ किया, तो अगर एम्प्लॉयज से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है तो वो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है. सो द करेक्ट आंसर इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 10, मेंटल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन स्टील कंपनी. इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट. तो यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर रहा है जो अपने कॉस्ट को कवर कर ले रही है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड इन द अबव स्टेटमेंट. तो सीधी सी बात है, अगर हम इतना अर्न कर ले रहे हैं कि हमारे खर्चे निकल जा रहे हैं, हम अपना कॉस्ट बियर कर ले रहे हैं, तो वो जो है हमारा सर्वाइवल से रिलेटेड है. सो द करेक्ट आंसर इज सर्वाइवल. So thanks for watching. These were the 10 MCQ questions related to objectives of management. इसी तरीके से मैं आगे जो है और भी टॉपिक्स कवर करूंगी, साथ में जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.